हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, इसे इग्नोर करिएगा। फ्रेंड्स, आज के गार्डनिंग वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं आलू के प्लांट को। ये आप देख रहे हैं, ये आलू के प्लांट है और ये आलू है। आलू काफ़ी सूख गया है और इसमें से ये प्लांट जो है ये ग्रो भी होने लग गया है। काफ़ी टाइम से ये रखा रह गया था घर में जब मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और उन्हीं को मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे लगाया जाए उसके लिए ये चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और ये मैंने लिया है इसको लगाने के लिए जो पॉट है वो मैंने ये ग्रो बैग लिया है। ग्रो बैग यानी कि जो आटे की थैली होती है उसी को मैंने ग्रो बैग बना दिया है। तो ये है मिट्टी और मिट्टी थोड़ी सी गीली है, इसे मैं और बहुत सारी चीज़ें मिला करके बैलेंस्ड कर लूँगी। और ये है वो बोरी जिसके अंदर मैंने पिछले सीज़न में बहुत सारे ढेर सारे जब मैंने कटिंग्स करी थी पेड़ों अपने प्लांट्स की तो उसकी सारे कटिंग मैंने बोरी में जमा करके रख दी थी और वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लीफ कंपोस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज हम अपनी इस सिंपल सी मिट्टी को इसी के द्वारा फर्टिलाइज्ड भी करेंगे और इसे एनर्जेटिक भी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इनको मल्च कर लिया है, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं हाथ में और इसे अच्छे से मैं मल्च कर दे रही हूँ। एक हाथ में मेरे कैमरा है, नहीं तो मैं आपको दोनों हाथों से मल्चिंग करके दिखाती। तो ये देखिए मल्च करने के बाद किस तरह से ये कंपोस्ट हमारे पास तैयार हो पा रहा है जो लीफ कंपोस्ट है। और ये बहुत ही शक्तिशाली होता है हमारी मिट्टी के लिए जो नॉर्मल मिट्टी होती है। और ये देखिए इसमें ये कंपोस्ट काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है और ये है पूरी तरह से हमारा लीफ कंपोस्ट। तो इन सभी को हम मिक्स करेंगे और जो हमारी सिंपल मिट्टी है वो एकदम फर्टिलाइज्ड हो जाएगी और बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी। और ये है वो मल्चिंग के बाद मोटा सा जो हमारा लीफ है। अब इन सब को हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो कोई भी गार्डनर जो है वो किचन गार्डनिंग को नहीं भूलता और हर कोई किचन गार्डनिंग करना पसंद करता है। तो देखिए मिक्स करने के बाद वो कुछ इस तरह से तैयार है। और इसके अंदर अब हम मिला देंगे कोकोपीट। तो मैं चार पॉट बना रही हूँ, चार पॉट के हिसाब से मैंने ये मिट्टी तैयार की है और एक पॉट में मैं दो मुट्ठी के हिसाब से ये वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ। यानी कि मैं यहाँ टोटल 8 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। आप और कोई कंपोस्ट ले सकते हैं। वैसे मेरी ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई है क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ लीफ कंपोस्ट पहले से ही मिक्स कर लिया है मैंने। और ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। चार पॉट तैयार किया है मैंने इस मिट्टी को और उसके अंदर मैं ये दो बार इस बर्तन से मैं दो बार इसमें सैंड मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चार पॉट मेरे पास तैयार हो रहे हैं तो उसमें इतना मेरे लिए सफिशियंट है मेरी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए। क्योंकि जो आलू के प्लांट होते हैं वो थोड़ी सी रेतीली मिट्टी पसंद करते हैं, उसे एकदम जमी हुई मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तब आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा अच्छे से। तो इस तरह से मैंने इसे बहुत ही ईजिली मिला लिया है और अब देखिए ये मिट्टी कुछ इस तरह से एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार हो गई है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मिट्टी कितनी ऑर्डिनरी थी और अभी कितनी फर्टिलाइज दिख रही है। ये है वो पॉट जिसमें मैंने होल्स कर लिए हैं और इसे मैंने चार पॉट में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहे और ये जो हमारे पास मल्चिंग के बाद मोटा सा हिस्सा बचा है उसे भी यूज़ कर लें ताकि ये नीचे जब रहेगा पॉट में और ऊपर से जब पानी वगैरह डलेगा तो ये भी पूरी तरह से फुल्ली डिकम्पोस्ट हो जाएगा नीचे ही नीचे। तो इस तरह से नीचे के एरिया में मैंने इन चारों पॉट में उसे फिल कर दिया है, लगभग इतना हुआ है आप देख पा रहे हैं। और अब हम इसके अंदर यहाँ तक हाफ में हमने जो अपना फर्टिलाइज्ड मिट्टी तैयार किया है, सॉयल तैयार किया है, इसे हम फिल कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इस फर्टिलाइज्ड मिट्टी को फिल कर रहे हैं और ये देखिए फिल करने के बाद चारों पॉट कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब है आलू को तैयार करने की बारी। तो ये है आलू और इस आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे, जहाँ जहाँ से भी ये आंखें निकली हुई हैं, जहाँ जहाँ से भी स्प्राउटिंग हो रखी है, उन सभी को कट कर लेना है
ध्यान रखना है कि आपकी जो स्प्राउटिंग है वो ना टूटे, उसे वैसे के वैसे ही रखना है। और इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। मैंने इसे इस तरह से ऊपर वाली छत पे रख लिया है और अब मैं इन्हें ग्रो कर रही हूँ। इसे मिट्टी में लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी आंखें हैं, जो स्प्राउटिंग है, वो ऊपर की साइड हो, एक भी स्प्राउटिंग नीचे की साइड दबे नहीं। और इस तरह से आपने हर एक को रख देना है मिट्टी में, हल्का सा दबा के, थोड़ा सा ही हिस्सा दबाएं आप फिलहाल तो। और ये देखिए, मैंने हर एक पॉट में दो दो आलू को लगा दिया है। कम से कम एक ब्लांथ की दूरी होनी चाहिए दो आलू के बीच में। तो इस तरह से लगाने के बाद ऊपर से हम इसे मिट्टी से कवर करेंगे। कभी भी जो स्प्राउटिंग होती है वो खुला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी होने के बाद इसमें हमें पानी भी डालना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्टली स्प्राउटिंग के ऊपर पानी नहीं डालना होता है। तो इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना रही हूँ ताकि ईजिली पानी मैं डाल पाऊँ और हर प्लांट को पानी का ईजिली मिल सके, इवनली मिल सके। तो इस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया है और पानी डाल दिया है। ऊपर से मिट्टी सूखी न रहे तो उसको मैं हल्का सा मॉस्ट कर दे रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा। इस तरह से ये पॉट हो गए हैं तैयार और मैंने आलू के प्लांट को लगा दिया है। कुछ 7 से 8 दिन के बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं। आलू के प्लांट निकल चुके हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। लगभग 3 महीने के बाद हमारे पास आलू भी तैयार मिल जाएंगे। मैं बीच बीच में आपको अपडेट दिखाती रहूंगी। और ये देखिए, मैं मिट्टी को थोड़ा सा हटाकर भी दिखा रही हूँ, तो यहाँ भी स्प्राउटिंग आप देख पा रहे होंगे। तो हर एक जगह प्लांट ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में किचन गार्डनिंग को तैयार कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी मार्केट की, अपने किचन की सारी नीड तो यहाँ से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट जब हमारी ये छोटी सी कोशिश से हमारे पास थोड़ा सा भी हमारे किचन गार्डन का कुछ काम, हमें इस तरह से रिजल्ट अच्छा मिलता है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है और गार्डनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। कुछ इस तरह से मैंने दूसरे पॉट में भी लगा दिया था। तो ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल नोटिफिकेशन। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक